लंबे समय से प्रतीक्षा रख भी हैं कि आपके जेईई की जो मेन परीक्षा है उसके जो दो चरण बचे हुए हैं उनकी परीक्षाएं कब होंगी, क्योंकि दो चरणों की परीक्षाएं तो समय पर आयोजित हो गई थी, जो दो चरणों की होनी थी वो कोरोना के भयंकर संकट के चलते उनकी तिथियों को आगे बढ़ाया गया था। आप सबको पता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब सबके साथ शुरू से ही बहुत चट्टान की तरह साथ खड़े रहे हैं, आपका की सुरक्षा, आपकी रक्षा और आपके भविष्य को देखते हुए उनका समय समय पर हमको मार्गदर्शन मिलता रहा है। और इस समय भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारा जो मार्गदर्शन किया है, जो उनके मार्गदर्शन में हमको आपकी सुरक्षा और भविष्य दोनों को देखते हुए तीसरे चरण की जो परीक्षाएं हैं वो तीसरे चरण की परीक्षाएं अब 20 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 तक आयोजित की जा रही है। इसी प्रकार जो चौथा चरण है उस चौथे चरण की भी जो परीक्षाएं हैं वो जो पहले मई के अंतिम सप्ताह में होनी थी अब वो 27 जुलाई 2021 से और 2021 2 अगस्त 2021 तक वो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो जानकर के आपको बहुत खुशी होगी, आपके लिए एनटीए ने बहुत बेहतर अवसर दिया है। वो अवसर ये दिया है कि जो परीक्षाएं आपकी तीसरे चरण की 20 जुलाई 2021 से प्रारंभ होंगी और 25 जुलाई 2021 तक चलेंगी, उस परीक्षा में जिन छात्रों ने किसी कारणवश अपना आवेदन नहीं किया था, कोरोना के कारण या विभिन्न परिस्थितियों के कारण वो आवेदन नहीं कर सके थे, उनको भी एक मौका दिया जा रहा है फिर आवेदन करने का। और इसकी तिथियां हैं जो एनटीए ने किया है कि आप तीन दिन आज 6 तारीख की रात से लेकर के और 8 तारीख रात 11:50 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और चौथा चरण भी आपके लिए एनटीए बहुत बेहतर अवसर लेकर के आया है, जो चौथे चरण की जो आपकी परीक्षाएं हैं जो 27 जुलाई 2021 से और 2 अगस्त 2021 तक आयोजित होंगी, उसमें भी आप 3 दिन के अंदर अंदर 9 जुलाई से 12 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यदि इन तिथियों में आपने पहले में आवेदन नहीं कर सका, आप किसी कारण किसी भी परिस्थिति में आप छूट गए, ये बहुत बेहतर अवसर एनटीए ने आपको दिया है। मैं एनटीए को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और इतना ही नहीं तो इन दोनों परीक्षाओं में इन तिथियों में जब आप आवेदन करना चाहेंगे उन तीनों दिनों के अंदर आप यदि अपना कोई परीक्षा का केंद्र चेंज करना चाहेंगे अपनी सुविधा के अनुसार और इच्छा के अनुसार यदि आप कहेंगे तो इन 3 दिन के अंदर आपको उसका भी विकल्प देना होगा। हमारी कोशिश होगी कि आपकी इच्छा के अनुसार आपको सेंटर उपलब्ध कराया जाएगा। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि जहां परीक्षा के केंद्र जितने पिछली बार थे उससे दुगना से अधिक हमने परीक्षा केंद्रों को बढ़ाया है ताकि सामाजिक दूरियां सुनिश्चित हो सकें और दूरियों के साथ साथ आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। और इसीलिए एसओपी का पालन करने का बार बार आग्रह किया। मैं आप सब की ओर से, अभिभावकों की ओर से, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार भी प्रकट करना चाहता हूं। हम सब लोग कर रहे हैं कि पहली बार इतिहास में जहां जेईई की परीक्षा केवल एक बार होती थी, अब जेईई की परीक्षाएं 4 बार होंगी और उन 4 बारों में भी जो उसके सर्वोत्कृष्ट नंबर होंगी उन्हीं को अंकित किया जाएगा। एक तो ये आपके लिए बेहतर अवसर की एक बार की जगह 4 बार और उसमें जो बेहतर अंक आपका प्रदर्शन होगा उत्कृष्ट उसको सम्मिलित किया जाएगा। दूसरी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब
मातृभाषा में हमारे इंजीनियर और डॉक्टर भी बन सकेंगे। तो जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा था, जो क्षेत्रीय भाषाओं का था, वो अपनी मातृभाषा में इंजीनियर बन सकता है। और इसलिए ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा पहले केवल 3 भाषाओं में होती थी और आज ये परीक्षा 13 भाषाओं में हो रही है। वो भी इंजीनियर बन सकता है, अपनी मातृभाषा में भी इंजीनियर बन सकता है। इतना आमूलचूल परिवर्तन जिस तरीके से हुआ है, निश्चित रूप में आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। मैं सब अभिभावकों से भी अपील करूंगा कि जिस तरीके से पिछली बार हमने जेईई की परीक्षा को, दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा नीट और जेईई को कोरोना काल के हम बहुत सफल रहे हैं, आप सबकी मदद मिली है, राज्यों की मदद मिली है। मैं राज्यों के मुख्यमंत्री गण से भी निवेदन करूंगा, जिला प्रशासन से भी निवेदन करूंगा, अभिभावक गण से भी निवेदन करूंगा कि जो हमारे गृह मंत्रालय और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के एसओपी की गाइडलाइन है, कृपया उसका जरूर पालन करें, तभी आप परीक्षा केंद्रों पर जाएं। मुझे बहुत खुशी होगी कि हम उसका पालन करेंगे। और मैं प्रिय छात्र छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा हूं। एक बार आप निश्चिंत होकर के स्वच्छंद तरीके से पूरे आत्मविश्वास के साथ इस परीक्षा को दीजिए। इसमें जहां पिछली बार जितने सम्मिलित होते थे, 4 गुना छात्र सम्मिलित हो रहे हैं। आपको लगातार अवसर मिले, इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। मेरी शुभकामनाएं, नमस्कार।